सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश में कोरोना के नए मामले अब फिर से डराने लगे हैं, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए पिछले 2 वर्षों में कुछ राज्यों में संक्रमण के नए सिरे से वृद्धि को देखते हुए सभी से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, पिछले 2 साल में कोरोना वायरस को लेकर ये हमारी 24वीं बैठक है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्य ने मिलकर काम किया, उसने देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, अहम चर्चा करी है और आने वाले समय में किस तरह से कोरोना के इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है, इस पर भी बातचीत करी है। आपको बता दें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की हिदायत भी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस को लेकर यह हमारी 24वीं बैठक है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्य ने मिलकर काम किया, उसने देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। तो एक बार फिर कोरोना के मामले डराने लगे हैं और इस बार ये कोरोना के मामले बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार स्कूली बच्चे भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसको देखते हुए अब सरकार एक बार फिर से सख्त हो गई है, जहां कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की बात कही गई है। साथ ही साथ मास्क का पालन करने के लिए भी हिदायत दी गई है, यानी अब एक बार फिर से सख्ती देखने को मिलेगी। कोरोना के मामलों को देखते हुए लगातार जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर है। स्कूलों में भी मास्क का प्रयोग करवाया जा रहा है और जहां पे भी कोरोना के मामले नजर आ रहे हैं वहां पे कोरोना के कारण सामने आने के बाद 2 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है और सभी को टेस्टिंग की हिदायत भी दी जा रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभाषु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभाषु, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब बैठक की आवश्यकता को महसूस करते हुए आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक बार सचेत करने के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक किया। जिस बैठक में दिशा निर्देश दिया गया कि अगर बात की जाए टीके की, तो टीके के जो रफ्तार है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जिन लोगों को टीके नहीं लगे उन्हें चिन्हित करके टीके लगाए जाए। साथ ही आपको बताएं कि अभी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो माना ये जा रहा है कि अगर ये बढ़ता है तो ये 4th वेव होगा, जिस प्रधानमंत्री से लेकर और जो जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट है। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई, जिस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ बूस्टर डोज को लगाने के लिए उसमें तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 30 करोड़ से अधिक साथ अगर देखें बच्चों की वैक्सीन, तो बच्चों की वैक्सीन में भी तेजी लाई जा रही है। वहीं बूस्टर डोज को लेकर स्वास्थ्य महकमे को निर्देश दिए गए हैं कि सबको जागरूक करें और वहीं ऐसे कई सारे एनजीओज को भी इसमें मदद ली जा रही है कि कोरोना के टीके से जो अभी जिनके लगे नहीं है, जो इस कोरोना के टीके को लगवाया नहीं है अभी, उन्हें जाके जागरूक करें और उन्हें टीका लगवाने के लिए कहें। जी, बच्चे भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होगा, तो ये कितनी बड़ी राहत की खबर है। जी बेशक शिखा, आप अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो विगत 3 दिनों पहले लामार्क स्कूल में 2 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य महकमे एवं स्कूल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अब आपको बताएं कि आज कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पे कोरोना के केसे मिले हैं। वहीं आपको बताएं कि जो बच्चों की वैक्सीन है उसमें निर्देश दिए गए विगत कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक की तरफ से कि जो बच्चों की वैक्सीन है उसमें तेजी लाई जाए। साथ ही साथ स्कूलों के अंदर में वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं की गई थी जो पहले डोज लगे हैं, और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब दूसरे डोज की तैयारी करें। और वहीं अगर देखें तो बच्चों की वैक्सीन के साथ ही साथ अगर बात करें छोटे बच्चों की वैक्सीन,
तो 5 साल के से छोटे के जो बच्चे हैं उनकी भी वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी और स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह तैयार है और इसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। जैसा जी एक बार फिर सख्ती बरतने की जरूरत महसूस हो रही है विभांशियों, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों ने लापरवाही अपना ली है, मास्क का प्रयोग करना बंद कर दिया है, भीड़ भाड़ भी मार्केट में देखने को मिल गई है, तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? कोरोना पे अगर जीत हासिल करना है तो सभी वर्ग के लोगों को टीका जरूर लगवाना होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो समाज के अंदर में जागरूक लोग हैं वो अन्य लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें कि वो भी जाके टीका ले, और अगर बात करें तो भारत कोरोना मुक्त हो। और वहीं अगर देखा जाए तो जो बच्चों को टीका नहीं लगा उसमें स्वास्थ्य विभाग को भी पूरे अलर्ट के साथ सभी बच्चों को टीका लगाए, साथ ही साथ बूस्टर डोज में भी तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, तो अगर देखा जाए तो दोनों वैक्सीन के जो डोज है उसमें से जो लोगों को नहीं लगा उनको चिन्हित करके लगाने काम, अगर बूस्टर डोज पे आए तो बूस्टर डोज अगर देखें तो चुनाव के समय जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, जो चुनाव आयोग में जो चुनाव कर्मी थे उनको लगाया गया था, साथ ही साथ बुजुर्गों को लगाया गया था, तो आम जो जनमानस है जो 18 से ऊपर आता है उनको भी बूस्टर डोज की जो लगाने की प्रक्रिया उसमें भी तेजी करने की जरूरत है, जिससे हम कोरोना पे जीत हासिल कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो कोरोना के मामले एक बार फिर पैर पसारने लगे हैं और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक करी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में धार्मिक स्थलों से 433 लाउड स्पीकर हटाए गए, कई जगह पर लाउड स्पीकरों की आवाज घटाई गई है। वहीं इस कार्यवाही के दौरान सभी धर्म गुरुओं ने प्रशासन का सहयोग किया, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। बता दें कि यूपी के विभिन्न धार्मिक स्थलों से 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जबकि 29674 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई है। तो देश में काफी विवाद देखने को मिला लाउड स्पीकर को लेकर, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश भी कराई गई, लगातार विवाद देखने को मिला और आस्था से जोड़ के इस मुद्दे को सभी ने देखा। लेकिन जिस तरह से शासन प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और बिना किसी विवाद के ही लाउड स्पीकर की कहीं पे आवाज कम कराई गई, तो कुछ जगह से ज्यादा जो लाउड स्पीकर लगे थे उनको भी उतरवाया गया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगह से, ताकि समान तरीके से न्याय हो सके, किसी को भी कहीं भी धार्मिक स्थल पे लगे लाउड स्पीकर की वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचे, समान कार्यवाही करी गई है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लाउड स्पीकर हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, पहले काफी विवाद देखने को मिला, अब लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, सबकी सहमति से हटाए जा रहे, धर्म गुरुओं को इसमें शामिल किया गया है, क्या है पूरा मामला? नौ विभाग सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से विगत दिनों कहा गया था कि अगर कहीं अजान हो रहा है तो उसके जवाब में हनुमान चालीसा चलाएंगे, जिस जो मुद्दा महाराष्ट्र के बाद पूरे भारत के अनेक प्रदेशों में फैल गया। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें अजान के वक्त, ठीक अजान के जब चलते थे तो उसके जवाब में हनुमान चालीसा चलाने के प्रकार काम किया जा रहा था। उसी क्रम में आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मामले को मामले पर आदेश दिया गया कि कहीं भी ऐसा नहीं किया जाए। वहीं उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी धार्मिक स्थल हैं चाहे किसी धर्म के हो तो उनके स्पीकर जो प्रांगण है, जो मंदिर मस्जिद प्रांगण है उसके बाहर आवाज नहीं आएगा, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। और अगर बात की जाए तो ये मामला धीरे धीरे फूल पकड़ता गया और तमाम नेताओं की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, तो वही उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इसमें अलर्ट देखते हुए, देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के तमाम जोन में, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 12 कमिश्नरेट जोन के अंदर से लगभग आपको बताया शिखा 6031 लाउड स्पीकर को उतारने का काम किया गया है। वही अगर बात की जाए तो लगभग आपके 29674 लाउड स्पीकरों को कम करने का
काम किया गया है, जिससे सामाजिक सौंदर्य बना रहे इसको देखते हुए प्रदेश सरकार पूरी चिंतित है और इस पे काम भी कर रही है। वही आपको बता दें कि 1 मई को ईद है, साथ ही साथ परशुराम जयंती, इसको देखते हुए तमाम ऐसे जो आयोजन है उसको भी स्थगित करके जो लाउड स्पीकर होते हैं या लाउड स्पीकर के माध्यम से तमाम जगहों पे आप नॉइज पॉल्यूशन फैलते देखते हैं, उस पर रोक लगाते हुए सरकार की तरफ से गवाह चेतावनी दिया गया है कि आप इसको मध्यम ध्वनि में बजाएं, साथ ही साथ ऐसा किसी जाति विशेष धर्म को परेशान न हो सके। वही आपको बताया कि लाउड स्पीकर विवाद जो पूरे देश भर के अंदर में फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तमाम ऐसे फैसले लिए गए जिससे महाराष्ट्र के अंदर में मामला शांत हो सके। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ के अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में लगभग 431 से ऊपर लाउडस्पीकर को उतारने का काम किया गया। सभी धर्मों के जो मंदिर मस्जिद और तमाम जगह है जहां पूजा अर्चना की जाती है, इन सब जगहों से लाउडस्पीकर उतारने के काम किए गए हैं। साथ ही साथ विभाजन कार्यवाही तो लाउडस्पीकर उतारने की जा रही है, लेकिन क्या कहीं से कोई अप्रिय घटना देखने को मिली? क्या लाउडस्पीकर को रोकने का प्रयास किया गया या शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी कार्यवाही हो रही है? जी शिखा, आपको बता दें कि ऐसे कई जगहों पे जो ये निर्देश दिए गए थे उसके विरोध में लोग आ रहे थे, मगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और हर जगह शांतिपूर्ण के तरीके से लाउडस्पीकर उतारने का काम किया जा रहा है, जिससे किसी अगर देखे तो ऐसे कई जगहों पे ये कहा गया है कि आप जो प्रांगण है या मंदिर है या मस्जिद है उनके प्रांगण के बाहर आवाज न आए, उसको चिन्हित किया गया। साथ ही साथ प्रशासन के लोग जो धर्म गुरु है, चाहे बात की जाए मस्जिद के, अगर बात करें मस्जिद के फकीर या मंदिर के पुजारी, तो इन लोगों के साथ विचार विमर्श करके ऐसे फैसले लिए गए, उनको निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था को सफल बनाने के लिए आप अपना इसमें योगदान दें, जिसके बाद तमाम ऐसे सभी धर्मों के लोग पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस काम में उनका सहयोग कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि अभी अगर देखें तो माहे रमजान चल रहा है, साथ ही साथ 1 तारीख को परशुराम जयंती और 1 तारीख को ईद भी है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी अलर्ट है और स्पीकर मामले को उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई अप्रिय घटना न घटे, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। देख जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो लगातार ये कार्रवाई करी जा रही है, कई जगह से लाउड स्पीकर की आवाज को भी घटाया गया है, तो लाउड स्पीकर भी उतारे गए हैं। सभी धर्म गुरुओं ने प्रशासन का सहयोग किया है, बैठक में सभी शामिल हुए और सबकी सहमति से अब ये कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में जगतगुरु परम हंसाचार्य को परिसर में एंट्री नहीं देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जगतगुरु अयोध्या से आगरा आए थे, वो यहां ताजमहल में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन उनके भगवा कपड़ों की वजह से पुलिस ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। वहीं जगतगुरु ने आरोप लगाया है कि इस दौरान पुलिस ने उनके साथ अभद्रता भी की है। एक मामला आया है, कल एक अयोध्या से महंत आए थे ताजमहल देखने के लिए, उनका आरोप है कि उन्हें ताजमहल के अंदर एंट्री इसलिए नहीं दी गई कि वो भगवा पहने थे। कितनी सच्चाई है, क्या मामला संज्ञान में आया? इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई, 11:30 बजे दूरभाष पे मेरे पास फोन आया, उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया, बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था हमने उनसे भी बात किया, तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे, उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है अभी तक की जो जानकारी है। स्वामी जी से ये आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें या वहां रख दें या बाहर कहीं रख दें, वो जाएं ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। नहीं मिली है जगतगुरु को, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है, जहां जगतगुरु की नो एंट्री पर अब काफी बवाल मच रहा है। भगवा कपड़े पहनने की वजह से एंट्री नहीं मिली जगतगुरु कह रहे हैं, जिसके बाद प्रदर्शन भी कुछ लोगों द्वारा किया गया है। जगतगुरु द्वारा बताया गया है कि उनके साथ पुलिस ने अभद्रता भी की है और एंट्री नहीं दी गई है। ताजमहल में जगतगुरु को एंट्री नहीं मिली है और वजह बताई जा रही है कि भगवा कपड़े की वजह से उनको एंट्री नहीं दी।
इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए आगरा से संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या भगवा वस्त्र की वजह से एंट्री नहीं मिली या फिर वस्तु की वजह से जो कि जगत गुरु के पास थी उस वजह से उनको एंट्री नहीं मिली? जी मैं आपको बता दूं कि अयोध्या से आए ताजमहल देखने जगत गुरु परम आचार्य को प्रवेश से रोका, खरीदी टिकट दिखवाकर लौटवाए पैसे, फोटो खिंचवाने की अभद्रता। जिशान जिस तरह से विवाद बता दें कि ताजमहल पर किसी भी प्रचार का प्रतिबंधित है। धार्मिक वेशभूषा जैसे टोपी कुछ लेके अजवत्र और किसी जगह की वेशभूषा पर वो रोक नहीं है। इसके बावजूद कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व में भी यहाँ सामग्रियों की राम नामी उतरवाने और मॉडल की गायत्री मन लिखे रुपट्टे उतरवाने के काफी मामले विवाद पकड़ चुके हैं। जी तो क्या इस मामले के बाद कहीं पे प्रदर्शन भी देखने को मिला जिशान? जी हाँ, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के और राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने काफी प्रदर्शन भी किया है। एसआई का पुतला भी झुका है, लेकिन मौके पे पुलिस प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पुतले को हिंदूवादी नेताओं से छीन लिया और उनको समझा बुझाकर वापस भी कर दिया है। जी, और जिस तरह से बयान सामने आया है अधिकारी का, एएसआई अधीक्षक ने कहा है कि उनके पास जो वस्तु थी उसको रखने के लिए कहा गया था, वस्त्र की वजह से, भगवा वस्त्र की वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई, ये बात गलत है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, इस पूरे मामले में पुरातत्व अधीक्षक आर के पटेल से जब बात हुई तो पहले उन्होंने ऐसा कुछ न होने की बात कही, पर जब वीडियो और सबूतों की बात बताई गई तो उन्होंने सुबह जाकर जांच कर जवाब देने की बात कही और उनका ये कहना है कि भगवा कलर की वजह से नहीं, जो रात था उनके पास उसकी वजह से उसको रोका गया था। तो सुबह भी राष्ट्रीय बजरंग दल के गोविंद परासर ताजमहल में भ्रमण करने पहुंचे हैं, वहां से उनको नहीं रोका गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जिशान जुड़े थे आगरा से। अमेठी में महिला सपा नेता गुंजन सिंह की दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ के सराय राजशाह गांव में गुंजन सिंह पर दबंग के साथ मिलकर एक शख्स के मकान को जबरन जेसीबी से गिराने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, शख्स के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। महिला सपा नेता का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उधर इस मामले में पीड़ित की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। तो महिला सपा नेता पर दबंगई और दबंगों के साथ मिलकर दबंगई करने का आरोप लगा है, जहां एक व्यक्ति का मकान जबरन जेसीबी से गिराने का आरोप लगा है। अमेठी से ये खबर सामने आ रही है। सराय राजशाह गांव में गुंजन सिंह पर दबंगई करने का और दबंगों के साथ मिलकर एक शख्स के मकान को जबरन गिराने का मामला सामने आया है, जहां सपा नेता द्वारा जेसीबी चलवाई गई है और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, शख्स के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। महिला सपा नेता का ये वीडियो भी सामने आया है और अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से जेसीबी द्वारा व्यक्ति का मकान गिराया गया है। जबरन दबंगई देखने को मिल रही है सपा महिला नेता द्वारा। क्या नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले हैं? रास्ता। क्या हुआ, क्या विवाद हुआ है आपके यहाँ? विवाद ये, घर कब्जा कर रहे हैं हमारा। कौन कब्जा कर रहा है? राम सिंह गुंजन। अच्छा, किस लिए? अब वो गुंडागर्दी से हर चीज से भगा चाह रहे हैं, कब्जा करके जो ना बेच रहे हैं। हाँ। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हो गई 3.5 बिस्सा या 4 बिस्सा होगा कुल मिला के। शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत किया, कोतवाली में एप्लीकेशन दिया। हाँ। और उसके बाद गया, रोक लगाया, वो थाने में नहीं हाजिर हुए। अच्छा। हाँ, पेड़ भी काट दिए। हाँ। एक नीम के पेड़ गिरा दिए हैं और जमुनी के पेड़ काट रहे, तब तक कोतवाली बूढ़ पहुँची। हाँ। आरा मशीन उसीन सब उठा लाया उनका। अच्छा। हाँ, कुल्हाड़ा सब उठा लाया कोतवाली। सर क्या है पूरा मामला? 25/4/2022 को जमीन संबंधी कोतवाली अमेठी के सराय रास्ता गांव का है। इस संबंध में दयाराम पुरी आरोप लगाए कि हमारे जमीन पर गुंजन सिंह और उनके ड्राइवर दीपक सोनी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में इनके भाई जियालाल से बात की। तो महिला सपा नेता की दबंगई का वीडियो भी सामने आया है। अब पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। शख्स का मकान जबरन जेसीबी से गिरवा दिया गया है और मकान ढाने का ये वीडियो भी अब सामने आ गया है, जो अब काफी तेजी से
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है क्योंकि अभी तक अपराधियों के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चलता था, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति के घर पर सपा नेता ने बुलडोजर चलवा दिया है। अमेठी से ये खबर सामने आ रही है और अब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, और पीड़ित ने बताया भी है कि किस तरह से दबंगई देखने को मिल रही है दबंग और सपा नेता की। तो अमेठी में महिला सपा नेता जिनका नाम गुंजन सिंह बताया जा रहा है, उनकी दबंगई देखने को मिली है। दबंगों के साथ एक व्यक्ति का मकान गिरा दिया गया है। सराय राजशाह गांव का यह मामला बताया जा रहा है। पूरा मकान जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जेसीबी की मदद से किया गया है। जबरन घर खाली कराने की कई दिनों से कोशिश करी जा रही थी और अब सर से छत छीन ली गई है मासूम के। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। निर्दोष का मकान ढा दिया गया है। अमेठी से यह खबर सामने आ रही है। कई सवाल उठ रहे हैं कि दबंगई इस तरह भी देखने को मिल सकती है, और इस खबर में हमारे साथ अमेठी से संवाददाता वीरेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आखिर क्या वजह थी जो एक निर्दोष व्यक्ति का पूरा घर ढाना पड़ गया दबंगों को? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि सपा नेत्री गुंजन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक गरीब व्यक्ति का मकान जीसीबी द्वारा गिरा रही है। वहीं पे उनकी दबंगई, महिला के साथ गाली गलौज और गरीब व्यक्ति का एक मकान गिरा देना, एक गरीब के लिए एक मकान बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं पे एक गरीब आदमी का मकान गिरा दिया गया सपा नेत्री के द्वारा। जी, जिस तरह से सरकार ने यह आदेश दिया था कि किसी भी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, प्रशासन को यह सख्त निर्देश दिए गए थे, तो वहीं अब निजी बुलडोजर किसी इंसान का जब घर गिरा रहा है, तो अब इस मामले में किस तरह से जांच की जाएगी? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कहीं ना कहीं सपा नेत्री और सपा जो भी उनके नेत्री है, वो एक चुनाव हारने के बाद बौखला सा गए हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि सरकार ना होने से, और योगी सरकार जहां आवास देने का काम कर रही है, वो योगी सरकार एक गरीब तबके को आवास देके उनका घर बसाना चाहती, वहीं अगर देखा जाए तो सपा नेत्री गुंजन सिंह द्वारा एक गरीब दलित व्यक्ति का घर गिराने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भारी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अमेठी से इस खबर पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र जुड़े थे। तो पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अमेठी से ये मामला सामने आया है जहां पे सपा महिला नेता का दबंगई देखने को मिली है, घर ढाया गया है एक निर्दोष व्यक्ति का। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।